Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. हम start कर रहे थे wool manufacturing. उसमें further हम discuss करेंगे. In the carding machine जो straight करती है, सीधे करती है fibers को continuous form में. Carding machine में the entangled woolen fibers आर पास्ट, जो मुड़े हुए फाइबर्स होते हैं उनको, वुलन फाइबर्स को इसमें से गुजारा जाता है. बिटवीन ए पेयर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर्स, जहाँ पर रोटेट करते रहते हैं सिलेंडर आपस में. कवर्ड विद ए मटेरियल कॉल्ड कार्डिंग क्लॉथ, जिसको कवर किया होता है मटेरियल, जिसको कार्डिंग क्लॉथ हम कहते हैं. विच कंटेन्स फाइन प्लेएबल वायर टीथ, जिसके अंदर फाइन प्लेएबल वायर टीथ होते हैं. द वूल इमर्ज फ्रॉम द रोलर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर, जो वूल इमर्ज होती है रोलर से फॉर्म ऑफ थिन फाइबर के फॉर्म में, कॉमनली कॉल्ड वेब, इसको हम वेब कहते हैं, जो हमें कार्डिंग मशीन से प्राप्त होती है. वूल इमर्ज होके रोलर से इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर, फाइबर की फॉर्म में, उसको हम वेब कहते हैं. द वेब इज फर्दर प्रोसेस्ड, वेब को फिर फर्दर प्रोसेस किया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यार्न रिक्वायर्ड, ये किस पर डिपेंड करता है, जितना हमें यार्न रिक्वायर्ड है, किस तरह का, ये भी काइंड ऑफ यार्न, जिस तरह का हमें कौन सा यार्न रिक्वायर्ड है उस तरह का उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है. देर आर टू सिस्टम्स, यहाँ पर दो सिस्टम है, फॉलोड इन प्रिपेयरिंग वूलन यार्न. वूलन यार्न को प्रिपेयर, तैयार करने के लिए दो सिस्टम है, वूलन सिस्टम और वर्स्टेड सिस्टम. वूलन सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम वूलन फैब्रिक्स ऑफ मिक्स लेंथ, इस प्रकार के सिस्टम में वूलन फाइबर्स मिक्स्ड लेंथ के, अलग अलग लेंथ होती है, आर कार्डेड एंड देन स्पन टू फॉर्म वूलन यार्न. तो उसको कार्डिंग मशीन में डालकर उसके स्पन कियर के उसके वूलन के यार्न बनाए जाते हैं. द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सच यार्न, जो फैब्रिक्स इन यार्न से बनती है, डू नॉट हैव स्मूथ फिनिश, इसमें स्मूथ फिनिश नहीं होती है, मतलब अच्छा स्मूथिंग नहीं होता है. वर्स्टेड सिस्टम, ये दो तरह के सिस्टम है, वूलन सिस्टम और वर्स्टेड सिस्टम. वर्स्टेड सिस्टम के अंदर, इन दिस सिस्टम इनिशियली द वूलन फैब्रिक्स आर कॉम्बेड, वूलन फैब्रिक्स कॉम्बेड होते हैं. विच सेपरेट द लॉन्ग फाइबर्स फ्रॉम द शॉर्ट फाइबर्स, जो कि जिसमें लंबे फाइबर, जिसके अंदर लंबे फाइबर्स को छोटे फाइबर से अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. द लॉन्ग फाइबर्स आर देन फॉर्म्ड इंटू कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड्स, जो लंबे फाइबर होते हैं उनको कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड की फॉर्म में रखा जाता है. विच आर देन स्पन टू फॉर्म वूलन यार्न यूज़ फॉर नीटिंग वूलन गारमेंट्स, जिनको वूलन यार्न बनाया जाता है, जिनका लंबे होते हैं जो लंबे फाइबर, उनके फिर वूलन गारमेंट्स बनाते हैं. उनके जो गारमेंट्स होते हैं कपड़े. द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पन टू फॉर्म स्मूथ फाइन वूलन यार्न फॉर सॉफ्ट वूलन फैब्रिक्स, तो जो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं फाइबर्स, उनका भी स्पन बना के उसको स्मूथ फाइन वूलन यार्न में चेंज कर दिया जाता है, सॉफ्ट वूलन फैब्रिक्स बनाने के लिए, जो सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल अच्छे, उनमें उसको चेंज कर दिया जाता है. स्टेप फोर होती है, द वूलन यार्न सो ऑब्टेन, जो वूलन यार्न यहाँ से प्राप्त किया गया है, ऑब्टेन किया गया है, इज एदर फर्स्ट स्पन, ये पहला स्पन है, एंड देन डाइड और वाइस वर्सा, और या फिर डाइड या फिर उसका
रिवर्स, वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसा तैसा। इन केस ऑफ वूलन सिस्टम, अगर वूलन का सिस्टम है, द फैब्रिक सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड ट्वीड। वूलन सिस्टम के केस में जो फैब्रिक हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसको हम ट्वीड कहते हैं। इट इज बल्की फैब्रिक, ये बल्की फैब्रिक है, इन विच शॉर्ट वूलन फाइबर्स आर अरेंज रेंडमली, जिसके अंदर शॉर्ट वूलन फाइबर्स को अरेंज किया जाता है रेंडमली फॉर्म में। इट डज नॉट हैव स्मूथ सरफेस, इसके अंदर स्मूथ सरफेस नहीं होती है। इन केस ऑफ रस्टेड सिस्टम, अगर हम रस्टेड सिस्टम को यूज करते हैं, द फैब्रिक सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड रस्टेड। जो फैब्रिक हमें प्राप्त होता है हम उसको रस्टेड कहते हैं। गेबरडाइन, क्रीप, फ्लेनल, सर्ज एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रस्टेड फैब्रिक्स। ये सब एग्जाम्पल हैं रस्टेड फैब्रिक्स के, जो हमने देखा दो टाइप के सिस्टम में, वूलन सिस्टम और रस्टेड सिस्टम। तो वूलन सिस्टम में फैब्रिक अलग टाइप का प्राप्त होता है हमें, जो स्मूथ नहीं होता है, और इसमें जो प्राप्त होता है वो हमें रस्टेड स्मूथ टाइप का प्राप्त होता है, और उसको हम रस्टेड फैब्रिक्स भी कहते हैं। थैंक यू।